वो गाइड हम लोग को गाइड, सो यहाँ से हम लोगों ने ऐसे डिसीजन में उतरते गए लिटरली सब नीचे खड़े हवा है का पूरी डांस। तो ये हमारा गोवा में ये हमारी गोवा ट्रिप का फोर्थ डे है और आज हम लोग इस वेला से चेकआउट करने वाले हैं और हम लोग एक अलग जगह भी जाने वाले जिसका नाम है वाइल्डरनेस या फिर विल्डरनेस जो भी है। सो उस जगह पे वो जो जगह है वो जंगल के काफी अंदर बनाया गया है, काफी डेंस फॉरेस्ट में वो जगह क्रिएट किया गया है। थोड़ा बहुत ऐसा हाइट पे है तो उस जगह से जो व्यूज है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहेगा और वो जगह पे जाने का जो वे है हम लोग को ट्रॉली से ऊपर लेके जाते हैं ये सब काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और काफी मजा आएगा ये सब देखने के लिए। अभी कैंडोलिम विला को चेक आउट करने वाले हैं और विल्डरनेस को चेक इन करने वाले हैं और ये हमारा लास्ट डे है। हम विल्डरनेस पे 2 दिन निकालने वाले हैं और उधर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जैसे कि टैटूज, पॉटरी और बहुत कुछ। तो अभी हम लोग हमारे दूसरे विला में यानी कि विल्डरनेस में पहुंच गए और जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग काफ़ी लाइक घाट चढ़ के आए, घाटों में से आए, जंगल में से आए, तो फिर हम लोग अभी लाइक अच्छे खासे हाइट पे है और अच्छे खासे डेंस फॉरेस्ट के बीच में ये जगह बनाया गया है। नेचर का ब्यूटी और बर्ड्स का साउंड भी आपको सुनाई देगा यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है ये। मस्त है, सही है, मजा आएगा। सांप देखना है, एक तो सांप देखना है। सो अभी यहाँ से ऐसा एक ट्रॉली कार्ट रहेगा जो कि हम लोग को यहाँ से ऊपर लेके जाएगा। सो हम लोग को सब व्यू भी देखने को मिलेगा और मजा आएगा ऊपर जाने के लिए। देखिए
एरिया आहे, 500 एकर एरिया आहे टोटल, हे 500 एकर, या 500 एकर मध्ये सगळं 38 कॉटेजेस आहेत. तो अभी हम वेलकम ड्रिंक पीने जा रहे हैं. हम लोग का वेलकम ड्रिंक चल रहा है, विल्डरनेस में आ गए हैं. एक प्रीमाइसिस का प्रॉपर्टी का टूर कर लिया है, क्या है कहाँ क्या है. अभी वेलकम ड्रिंक के बाद हम लोग सेटल होके लंच करेंगे. सो ये हमारा वेलकम ड्रिंक है और ये बेसिकली कोकम शरबत है. सो एज ए वेलकम ड्रिंक ही हम लोग को दिया गया है विल्डरनेस में आने के बाद. सो अभी लाइक 5:12 हो रहा है. सो अभी ट्रैकिंग का टाइम हो गया है. सो अभी सब लोग लाइक चाय कॉफी पानी पियेंगे और फिर सब लोग ट्रैकिंग के लिए स्टार्ट करेंगे साथ में. और हम लोग के साथ लाइक एक गाइड रहने वाला है. सो उस गाइड हम लोग को गाइड करके लेके जाएगा जहाँ पर भी लेके जाना है. सो अभी हम लोग ने ट्रैक को चालू किया है और हम लोग लाइक ऑलमोस्ट 2 घंटे का ट्रैक रहेगा ये. सो देखते हैं क्या क्या एनिमल्स दिखते हैं और कितना मजा आता है.
सो अभी तक लाइक 15 मिनट्स हो गए हम लोग चढ़ रहे ऊपर और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ट्रैक है लाइक इधर मालिश का तो है क्या कुछ कर ही नहीं सकती। रोड टीवी तो फिर कोई फायदा ही नहीं लोग फिर आगे टीवी। सो यहाँ से हम लोगों को एक रोड दिख रहा है और हम लोग उस पीक तक जाने वाले, काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो रहा है इसके बाद से, कंपैरेटिवली इससे काफ़ी ज़्यादा स्टीप है वो, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है और काफ़ी एडवेंचरस है ये ट्रैक। काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है नीचे से और काफ़ी ज़्यादा विंडी है, काफ़ी ज़्यादा कोल्डनेस है यहाँ पे और व्यू भी एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सब काउंट क्या रहेगा ना, रिश्ता कैसा लग रहा है अभी तक? मजा आया। सो यहाँ तक जो ट्रैक था वो लाइक नॉर्मल यहाँ तक आते हैं, पर यहाँ अभी हम लोग और ऊपर जा रहे हैं जो कि ऑप्शनल है, अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं। सो हम लोग ने जाने का डिसीजन लिया। हाँ इधर बैठ जा बात। सो मिट्टी का कंडीशन देख के सब लोगों ने बोला कि और ऊपर नहीं जाते, सो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के वापस से चले जाते हैं। सो मैं निष्ठा विक्की चाचू सब लोग ऐसे रुके हैं यहाँ पे, हम लोगों को यहाँ से ये व्यू दिख रहा है। देखो राइट में इतना बड़ा, हाँ ये मोटा है ना, इसमें बैठो। मुझे लग रहा था कि लाइक बहुत बड़ा ट्रैक होगा, लाइक एक से दो घंटे का ट्रैक होगा, पर लाइक काफी शॉर्ट ट्रैक था। हम लोग 5:30 को निकले और 5:50 तक हम लोग लाइक टॉप पे पहुंच गए। झंडा वंडा गाड़ के जाते हैं। ये दे दूं क्या? गाड़ा ही तो दे दूं। दीदी दीदी फ्लैग फ्री हुई। सो वापस से डिसीजन में एक चेंज है और हम लोग ने और ऊपर जाने का डिसीजन लिया है। सो हम लोग अभी लाइक ये डगड़ से और ऊपर जा रहे हैं। हम सबसे सबसे ज्यादा ऊपर है, सब नीचे खड़े है लेकिन हम ज्यादा ही उत्साही है तो हम ऊपर आ गए और जो व्यू है बहुत ही फैंटास्टिक है। सो ये व्यू यहाँ से अमेजिंग। पार खड़ा हो जाए, ऐसे नीचे का दिखा। नहीं नहीं बैठे, अरे नीचे का दिखेगा, नीचे ऊपर का टाइम। हम बच्चों जैसे घसर गुंडी करके जाने वाले हैं। एफआर एफआर स्टार्टिंग में जाएंगे। बैठ के जाओ अंकल। अंकल बैठ के जाना, गंदा हो जाएगा टी-शर्ट चलेगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से दोनों बाजू में वाइल्डरनेस जो है वो काफी डेंस फॉरेस्ट के बीच में ऐसे काफी डिस्टेंस पे ऐसा दो दो तीन तीन ऐसा एक एक हट्स बनाए गए। सो आपको लाइक काफी अलग एक्सपीरियंस मिलता है डेंस फॉरेस्ट के अंदर रहने का और काफी ज्यादा मजा आता है। अभी काफी क्लाइमेट भी चेंज हो गया और लाइक बहुत ठंडी हवा, बहुत ही क्लाउडी और रेनी टाइप क्लाइमेट हो गया। अभी उधर से रास्ता देखो, हाँ उधर से रोड दिख रहा है, वहीं से आए ना हम लोग।
सो ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं था, लाइक 20 to 25 मिनट्स का ट्रैक था, पर जो रास्ता था उसमें काफ़ी मज़ा आया ट्रैक करने में, और एडवेंचरस था, डिफिकल्ट भी था थोड़ा बहुत। आत्ता आपण ज्या ठिकाणी आलो आहे ते आहे अशी असं एक ठिकाण आहे जे खूप वेगळं आहे, आणि इथे तुम्ही या बाजूला बघाल तर या बाजूला कर्नाटकाची बॉर्डर येते, कर्नाटकाची सीमा, या बाजूला समोर बघितलं तर महाराष्ट्र राज्य सुरू होतं, आणि या बाजूला जर बघितलं तर गोवा, अशी तीन राज्यांच्या बॉर्डर्स इथे एकत्र येतात, त्यामुळे हे खूप वेगळं असं ठिकाण आहे। आणि इथे तुम्हाला खूप हवा आहे, प्रचंड हवा आहे, आणि इथे खूप थंडावा आहे, शिवाय पावसाळी ढगसुद्धा दिसत आहेत, त्यामुळे वातावरण खूप छान आहे। ये था हमारा ट्रैक, और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और नीचे उतरने के टाइम पे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि नीचे उतरना थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे लाइक काफ़ी एक्टिविटीज़ है। सो इसमें से एक एक्टिविटी था पॉट मेकिंग, पॉटरी, उसके बाद दूसरा एक्टिविटी था ट्रैक जो कि हम लोग अभी कम्प्लीट किया, और मेहंदी इज़ नेग्लिजिबल मैन। उसके बाद और एक एक्टिविटी था मेहंदी जो कि मैं उधर गया नहीं, सो मैंने कुछ शूट नहीं किया। और अभी ट्रैक ख़त्म होते होते लाइक 6:21 हो रहे, तो अभी 8 बजे यहाँ पे फोक डांस रहेगा, इन्फॉर्मेशन, वो एक ट्रेडिशनल गोवन डांस रहेगा, फुगड़ी डांस जिसको बोलते हैं, वो अब देखने के बाद ही पता चलेगा कैसा रहेगा। सो यहाँ पे ऐसे लाइक लिटरली ऐसा पेड़ काट के पूरा यहाँ पे ऐसा बेंच बनाया गया है, फुल वुडन बेंच, जहाँ पे आप ऐसे बैठ सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे बैठ सकते हो और ऐसे चिल कर सकते हो फॉरेस्ट के अंदर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ऊपर कबूतर ना छेड़े या फिर कोई भी बर्ड ना छेड़े।